इसमें जो है वो पूरा कंफर्टेबल फील हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। किसी ने सही कहा है कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होते। इस पर मैं आपको अपने ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरा सबसे पहला ड्रीम बना था मेरे यूट्यूब स्टूडियो को लेकर, और मैंने अपना सारा फोकस उसमें डाला था क्योंकि मुझे कैसे भी करके उस ड्रीम को पूरा करना था। हालांकि इस दौरान मेरे माइंड में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि इससे अच्छा मुझे बाइक ले लेना चाहिए, दोस्तों को दिखाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे घूमना नहीं था, मुझे अपने लाइफ का स्टार्टअप करना था। तो मैंने अपने माइंड को भटकने नहीं दिया और सारा फोकस उस पर ही रखा और उस ड्रीम को मैंने पूरा किया। और ये ड्रीम जैसे पूरा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ दिन कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे एक दो महीना हुआ उसके बाद फिर मेरा अगला ड्रीम बन गया आईफोन वाला, कि अगर मेरे पास आईफोन होगा तो मैं अपने ब्लॉगिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँगा। और इसे भी मुझे कैसे भी करके लेना था, तो फिर से मेरा अगला फोकस इस ड्रीम पर गया और इसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत करने लगा और फिर जाकर मैंने इस ड्रीम को भी पूरा कर लिया। और ये ड्रीम पूरा होने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब पैसे को सेविंग करूँगा। लेकिन जैसे एक महीना हुआ और अब मेरा ड्रीम कहीं और चला गया बैक की तरफ, और अब मैं सारा फोकस उस पर डाल रहा हूँ और इस ड्रीम को भी मुझे किसी भी तरीके से पूरा करना है। तो अभी मैं जाऊँगा शोरूम अपने एक फ्रेंड के साथ और मुझे कुछ डिटेल पता करना है और मैं आपको बताऊँगा कि मेरा ड्रीम बैग कौन सा रहने वाला है। वैसे आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे। चलो तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी तक मैंने इसके बारे में अपने घर वालों को किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। पहले मैं सोच रहा हूँ कि सारा जानकारियाँ मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा या डायरेक्ट लेकर जाऊंगा। तो एक दोस्त तो आ चुका है दानिश भाई, लेकिन एक दोस्त अभी तक नहीं आया है कबीर भाई। तो उसे हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट शोरूम के बाहर ही बुलाते हैं, उसे कॉल करके बोल देते हैं कि शोरूम के बाहर ही डायरेक्ट आना। और हम लोग अभी दो शोरूम जाने वाले हैं। पहला शोरूम होगा KTM और दूसरा होगा रॉयल इनफील्ड, क्योंकि दोनों कंपनियों की मुझे गाड़ी जो बहुत पसंद आते हैं। और देखते हैं, दोनों को डिटेल जानते हैं, उसके बाद फिर एक डिसीजन लूँगा कौन सा बाइक मेरे लिए सही होगा। तो KTM शोरूम हमारे घर के जस्ट बगल में था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले यहीं का दर्शन ले लिया जाए। और एक दिक्कत लग रहा है, हो सकता है हमारा ये बच्चों वाला शक्ल देकर कोई इन्फॉर्मेशन दे ना, बोले अपने गार्जियन को लेके आओ, अपने पापा लोग को लेके आओ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी जान रहे हैं कि अभी के दौर में हम जैसे उम्र वाले लड़के ही ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं। चलो जाए, बड़े अब्बू बगल में है, बड़े भैया है, इसे देखकर तो जरूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलो, छोटा है तुम लोग से लेकिन बड़ा हो ये काम बोलेगा। मेरा से छोटा है भाई, लेकिन देखो हेल्थ में कितना ज्यादा मेरे से बड़ा लग रहा है, सिर्फ हेल्थ की वजह से। देखो इसमें जो है वो पूरा कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साइज में, मेरा जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग ये जो बाइक है ये पूरा फिट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और वो जो है इसके पीछे, मतलब इसके आगे जो लगा हुआ है, जो भैया बोल रहे थे अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन भाई हाइट उसका बहुत ज़्यादा है। बट देखते हैं, ये सही लग रहा है, क्या बोलते हो? ऐसे इधर से एक बार दिखाना ना लोगों को, अल्ट्रा वाइड में है, अल्ट्रा वाइड में जाके लेना। ठीक है यार, बट देखते हैं एक बार, घर के गार्जियन से डिसीजन लेके अपने पापा को बताते हैं और फिर देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। और इधर आना, इधर ये वाला, इधर ये देखना भाई, ये भैया बोल रही है आपके लिए एकदम बेस्ट होगा अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पे हाइट देखना, इसमें मैं कैसा लगता हूँ वो देखना। देखो भाई, लग रहा है कि गाड़ी मुझे चला रहा है। चार चक्का फिट कर दो साइड में और घूमते रहो इसमें, भाई गिरने का डर नहीं होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल ये लग रहा है। बट थोड़ा सा मेरे शरीर में फिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद तो हमें तीन मॉडल दिखाया गया, पहला वो KTM का जो नया मॉडल है वो, और ये एक, ये बोल रहे कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये बाइक जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। बट देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा हाइट है, एक बार सामने जाना देखना कितना हाइट है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है, मेरा पैर भी नहीं पहुँच रहा है। कबीर भाई तो उड़ जाएंगे, बाइक अलग आप अलग अगर हवा आया तो। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा भैया ने हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया।
और मेरे अकॉर्डिंग बैग भी बताया कि आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो वो बैग आपके लिए सही होगा, तो ये चीज़ अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। और अब हमें जाना है रॉयल इनफील्ड शोरूम और वहाँ पे जाके बुलेट का जो डिटेल्स है वो पता करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है पापा को ये जो बैग है, अगर मैं बताऊँगा कि मैं KTM का कोई बैग ले रहा हूँ और यहाँ पे शोरूम लेकर आऊँ तो पापा को इनमें से कोई भी बैग पसंद नहीं आएगा, और यहीं पर अगर मैं बुलेट बोलूँगा तो भाई पापा खुशी खुशी आएंगे। और वो मतलब पापा का एक बहुत पहले से सपना था कि वो जो है बुलेट ले, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर ये बाइक मैं लेता हूँ तो इसमें सिर्फ एक का ही ड्रीम पूरा होगा मेरा, लेकिन अगर मैं बुलेट लेता हूँ तो उसमें हम दोनों का ड्रीम पूरा होगा, तो जिसमें हम दोनों का ड्रीम पूरा होगा वही काम में करने वाला हूँ। सजना जी मैं छोड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूं तारा तेरा जान बन जाना कभी, परदेसी तेनो जरा दिस। तो फिलहाल हम लोग रॉयल इनफील्ड शोरूम पहुंच चुके हैं, अब जाते हैं यहां पे एक बार इसका भी डिटेल पता कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉयल इनफील्ड बुलेट है ये मेरे पापा का ड्रीम है, तो इसमें ज़्यादातर मैं फोकस करूँगा। KJP स्टाइल डिटेल जानना था, बैठो। तो कबीर भाई कौन सा सही रहेगा, ये हंटर 360 या क्लासिक मॉडल ये वाला? हाँ क्लासिक ने मजा आएगा। क्लासिक कैसे ने मजा आएगा भाई, रॉयल बुलेट वही है। मतलब मेरे हाइट के हिसाब से, लेकिन पापा भी चलाएंगे वो, तो वो भी देख लो। हाँ तो क्लासिक वाला मॉडल आज से नहीं, बहुत ज़माना से चलता आ रहा है, तो ये मतलब नया मॉडल है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बैक स्टाइल में लग रहा है। वो जो है वो भाई एकदम रॉयल बुलेट है, उसे ही बोलते हैं रॉयल बुलेट जो क्लासिक मॉडल पे है, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ही सारा फोकस रखूँ। सबसे पहले ये वाला कलर आता है, ठीक है, मतलब रेडिच मॉडल आता है। अच्छा। सबसे पहले रेडिच में 3 कलर आता है बेसिकली। दबदबा बनाना है भाई, दबदबा बनाना हमको। रॉयल इनफील्ड में तो हमें सारे के सारे मॉडल अच्छे लगे। अब दानिश भाई भाई ये जो रॉयल इनफील्ड का GT मॉडल है इसे स्टार्ट करवा रहे, देखते हैं कैसा साउंड रहता है। पता है गाइस रॉयल इनफील्ड के मुझे सारे मॉडल पसंद आए, और सब मैं तो सोच के आया था क्लासिक के बारे में डिटेल जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो भाई GT जो लगा है स्टार्ट करने के बाद जो फील दिया है, मतलब लगता है कि अगला जो ड्रीम है, मतलब मेरा जो ड्रीम है इस पे ही फोकस करने बोल रहा है, और देखते हैं क्या होता है। पापा को दिखाते हैं, पापा को पसंद आता है तो फिर देखते हैं पापा के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। पापा को फिलहाल क्लासिक ही पसंद आएगा और मुझे ये GT पसंद आया है। इसके बाद एक और मैंने देखा वो हंटर 360, वो भी बहुत सही है, लेकिन उस इसके आगे हंटर 350 है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लुक वाइज ये और क्लासिक दो में मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये है हमारे सेल्समैन भैया जो कि हमें बहुत अच्छे से सभी गाड़ियों के बारे में डिटेल बताए, और भैया बोल रहे हैं कि अपने ब्लॉग में थोड़े इस शोरूम के बारे में बता दो, तो क्यों ना आप अपने ही बारे में बता दीजिए, मतलब आप खुद से ही बता दीजिए। मेरा नाम अशरफ हुआ, मैं मार्वेल ऑटो बाइक्स रॉयल इनफील्ड बरियातू रोड शोरूम से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस भी गाड़ी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी गाड़ी लेना हो, हाँ। मुझे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बोलिए पहाड़ी वाले ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। बोल दीजिए, जो भी है चैनल्स हमारे भाई के, उनको आप सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत अच्छे भैया, दिल के बहुत अच्छे, सारा कुछ डिटेल बहुत अच्छे से समझाए। तो कुल मिलाकर डिसीजन ये हुआ कि मेरा जो ड्रीम बाइक होगा वो रॉयल इनफील्ड कंपनी में से ही कोई एक होगा। तो अभी गाइस हम लोग शोरूम से होकर आ चुके हैं प्योर विलेज लाइफस्टाइल देखने के लिए। हालांकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे भी विलेज की तरह ही लाइफस्टाइल जिया जाता है, लेकिन वो मीडियम बोल सकते हो। और अभी हम लोग जिस प्लेस में, यहाँ पे प्योर मतलब रियल विलेज लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो इसे बोलते हैं ईटा भट्टा।
मतलब यहीं से ईटा जो है बनाया जाता है और उसके बाद फिर हम जैसे लोगों का घर बनता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इतनी दूर आ चुका हूँ तो कि ईटा का प्रोसेस कैसा होता है, ईटा कैसे बनाया जाता है। भाई कितना ऊंचा है ये देखो, ये जो है ये इसे हम लोग चिमनी बोलते हैं, मतलब यहीं से धुआं जो है वो निकलता है, बाकी ईटा यहाँ पे नहीं बनता है। ईटा बनता है आगे, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, आ जाओ भाई तबाही। अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये पूरा एक राउंड जो है ये ईटा पका हुआ ईटा है और इधर से ईटा जो है वो निकाला जा रहा है और इधर जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा बनाया जाता है। मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, यहाँ तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है, कबीर भाई दानिश भाई वहाँ पे गाड़ी पे बैठे हुए हैं। तो चलो अब नीचे चलते हैं। तो देखिए आप एक बार इस तरीके से भाई ईटा बनाया जाता है। यहाँ पे जो बीच बीच में आपको गैप दिखाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जाता है कि इन सभी गैपों में जो है वो कोयला डाला जाता है और फिर इसे जलाया जाता है और सारे ईटा को पकाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है ईटा बनने का। यहाँ से जो सारा धुआं जाता है वो डायरेक्ट वहाँ से निकलता है ऊपर से। तो भाई कुछ ऐसे ईटा बनता है, देख लो। चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसा हमें विलेज लाइफ स्टाइल देखने को मिलता है। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और सब कुछ मैंने अपने घर वालों को बता दिया अपने ड्रीम बाइक के बारे में। तो पापा ने बोला